नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं माय टेक्निकल पेज। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ बोया बाई M1 माइक की। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस माइक का यूज आप कैसे कर सकते हैं और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों रही है मेरे पास माइक बोया M1 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोया बाई M1 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आपको मिल जाता है कुछ यूजर्स लिखे 4 स्मार्टफोन कैमकॉर्डर और DSLR के लिए आप यूज कर सकते हैं। और इधर पे भी बोया का सिंबल बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। और पीछे कुछ फीचर्स दिए गए हैं, स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। इसको फीचर्स में आपको मिलता है जो कि आप इसको स्मार्टफोन के साथ यूज कर सकते हैं, अपने कैमरा के साथ यूज कर सकते हैं। इसमें जो है कि आप हाई क्वालिटी कंसीडर आइडियल वीडियो यूज कर सकते हैं, मतलब आप का यहाँ पे नॉइस बिल्कुल नहीं आएगा। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए, तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, इसको हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इसको मैंने जो है कि फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, ये मुझे 1300 रुपये का पड़ा है। अगर आप इसे अमेजोन से बाई करते हैं तो आपको थोड़ा 150 रुपये सस्ता मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसकी पैकिंग की गई है, इसको मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है हमें हमारा फ्रेंडली माइक मिल जाता है। और ये रहा, इसमें माइक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस पर भी बोया लिखा है और एक पाउच है। तो यहाँ पे उससे पहले मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ यूजर मैनुअल दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे चाइनीज में कुछ यूजर मैनुअल दिया गया है और यहाँ पे जो है कि बताया गया है कि कैमरा के लिए और स्मार्टफोन के लिए आप यूज कर सकते हैं। और इसमें कुछ नोटिस भी दिया गया है माइक के बारे में। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बोया M1 माइक का जो है कि यूजर मैनुअल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से आप इसको यूज करना है आपको, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में बताया, किस तरह से बैटरी लगानी, किस तरह से आप इसमें सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें मिल जाता है हमारा ये माइक है बोया M1 का। यहाँ पे देखिए दोस्तों, माइक है लगभग 20 फीट लंबी तार है इसकी, 20 फुट तक आप इसको यूज कर सकते हैं अपने कैमरे को रख के। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ माइक मिल जाता है, ये हमारा माइक है और ये वायर है। और दोस्तों यहाँ पे आप जो है कि कैमरा के लिए बटन दिया गया है, आप यहाँ से कैमरा के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऑफ रखते हैं इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटन है, अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो आप इसे जो है कि कैमरा के लिए यूज कर पाएंगे। अगर इसे ऑन करते हैं, सॉरी ऑफ रखते हैं तो स्मार्टफोन के लिए यूज कर पाएंगे, और ऑन करते हैं तो इसे कैमरा के लिए यूज कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे 3.5 mm का कनेक्टर दिया गया है, जिसे आप स्मार्टफोन या अपने कैमरा में लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर मिलता है हमें और भी चीज़ें मिलती हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें सबसे पहले मिल जाती है सिलिका जेल, इसको हटाते हैं, अलग रखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें एक बैटरी मिलती है, जिसे हम जो है कि अपने माइक में लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह, इसमें लगेगा ये बैटरी जो है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें मिल जाता है फोम, मिल जाता है क्लॉथिंग क्लिप, मिल जाता है और 1/4 का हमें जो है कि अडोप्टर मिल जाता है, जिसे हम अपने बड़े माइक में यूज कर सकते हैं 3.5 mm के जैक को लगा के, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे अभी किसी काम का नहीं, क्योंकि मैं इसे माइक में यूज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको हम अलग रखते हैं। और ये हमारा फोम है दोस्तों, जिसे मैं यहाँ पे माइक के ऊपर इंस्टॉल करूंगा। तो यहाँ पे हम अपने माइक में लगा लेते हैं इसे। तो दोस्तों ये हमारे माइक में लग चुका है। और उसके बाद हमें यहाँ पे बैटरी लगानी है अपने इस वाली जगह पे, ठीक है। इसको हम अलग रखते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों हमें बैटरी इस जगह पे लगानी है, ठीक है। तो हमें इस जगह पे बैटरी लगानी, तो हम बैटरी को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों सिंबल दिया गया है आपको प्लस और माइनस का, तो दोस्तों आपको प्लस और माइनस देख के जो है कि यहाँ पे आपको यूज करना है, ठीक है। तो हम इस बैटरी को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी बैटरी ओपन हो गई, ठीक है। हमें इस जगह पे लगाना, हमें यहाँ ध्यान से देख के लगाना है किस तरफ प्लस है किस तरफ माइनस है। तो दोस्तों इस तरफ प्लस का सिंबल दिया गया और इस तरफ माइनस का सिंबल है, तो हमें इस तरह से बैटरी को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हमें इस तरह से बैटरी को यहाँ पे लगा देना है इसमें। दोस्तों हमारी बैटरी लग चुकी है यहाँ पे, और इसको हम देखिए यहाँ पे मोड़ के इसको कर सकते हैं, ठीक है।
के बाद यहाँ पे हमने इसको जो है कि लगा दिया दोस्तों, हमारा जो है कि ये रेडी हो गया और यहाँ पे स्मार्टफोन के लिए रेडी। दोस्तों अगर आप इसे पहली बार फोन में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है कि आपके डिफॉल्ट कैमरा में जो है कि माइक बाहर से इंटरनल माइक्रोफोन का सपोर्ट नहीं दिया जाता। इसके लिए दोस्तों आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद दोस्तों आपको ओपन कैमरा नाम का एक सॉफ्टवेयर ओपन करना है, जो एक आप देख सकते हैं ओपन कैमरा नाम का सॉफ्टवेयर, इसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, इसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कैमरा देख सकते हैं, यहाँ पे कैमरा शो कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको 3.5mm का यहाँ पे कनेक्टर लगाना है, ठीक है, और उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वीडियो सेटिंग का ऑप्शन है, इसको हम ओपन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है नीचे ऑडियो सोर्स का, तो ऑडियो सोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक्सटर्नल माइक ओपन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है कि एक्सटर्नल माइक ओपन हो चुका है। अब मैं जो भी यहाँ पे बोल के रिकॉर्ड करूंगा वो हमें जो है कि अब एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्डिंग होगी दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से यूज करना था अपने माइक्रोफोन को, माइक को, और इस तरह से जो है कि आप नॉइस फ्री आवाज पा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के घंटे को दबाना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।